कितना बदला इज एथिकल बदला, मतलब आप बदले की हद में कहां तक जा सकते हैं जो एथिकल रह सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड बाय द वे टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है तो उसके बारे में रिव्यू लेके हम आ चुके हैं। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाह एंड यू आर वाचिंग नबील वर्ड्स। थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था, तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, वेदर बहुत ज्यादा स्कोर है। टाइगर 3 आ चुकी हुई है और ये ट्रेलर ने हमें बहुत कुछ दिया है देखने के लिए। और सलमान खान इज बैक, जो ओजी सलमान खान है जिसके लिए हम रूट करते हैं, ये वो भाईजान है जिनके लिए हम दीवाने हैं, ये वो भाईजान है जिनके लिए हम डिफेंड कर सकते हैं, लड़ाइयां कर सकते हैं कि नहीं भाई सलमान खान की अच्छी फिल्में भी आती हैं। ये वो सलमान खान है जिन्होंने हमें सुल्तान दी है, बजरंगी भाईजान दी है और बहुत सारी अच्छी फिल्में दी है। आई नो बीच में बहुत सारी किसी का भाई किसी की जान, रेस 3 टाइप टटियां भी की है, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम अभी ग्लोरीफाई करने वाले हैं सलमान खान के टाइगर को, जिसमें इमरान हाशमी आ रहे हैं एज अ विलन। और बदले की हद में कितना बदला ले सकते हो आप? सैफ भाई ने कहा था बदला जितना पुराना हो उतना ही खतरनाक हो जाता है, लेकिन इमरान हाशमी ने इसको ज्यादा ही सीरियस ले लिया क्योंकि इस बार उन्होंने टाइगर के ऊपर नहीं, टाइगर की फैमिली के ऊपर हाथ डाला है। जब टाइगर के बच्चों पे हाथ डालोगे तो टाइगर तो चीर फाड़ कर देगा। अच्छा, जो मुझे फीलिंग आ रही है ना ट्रेलर को देख के, वो ये है कि इमरान हाशमी को कुछ काम करवाना है टाइगर से बदला भी लेना है, लेकिन टाइगर से कुछ फायदा भी लेना है। वो अपने बदले को दो तरीकों से यूज करना चाह रहे हैं, बदला भी लिया जाए और फायदा भी हो जाए। उस चक्कर में कुछ काम करवाना है टाइगर से उन्होंने, कोई चोरी करवानी होगी, कोई सीक्रेट ट्रेड निकलवाना होगा, कुछ इस टाइप का, जिससे वो गद्दार भी साबित हो जाए और उसको फायदा भी मिल जाए। ये सारा प्लॉट लग रहा है मुझे ट्रेलर को देखकर। पहले ट्रेलर के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि ट्रेलर में हमें दिखाया क्या क्या। ट्रेलर शुरू होता है, सबसे पहले तो हमें फायरवर्क्स का लोगो दिखाया जाता है क्योंकि उन्होंने एडिट करके पुराने ट्रेलर में भी डाल दिया। फिर लेके आता है फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है सारी फिल्में, और एक लड़की की आवाज आती है, देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच में कितना फासला है, बस एक आदमी का टन 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 टाइगर की एंट्री होती है। CGI थोड़ा लैग लगा है मुझे, लेकिन ठीक है यार, जब आप एक ग्रेटर ग्रुप यूनिवर्स में जा रहे होते हैं ना तो बर्दाश्त हो जाता है। टाइगर भाई की CGI थोड़े से हल्के थे, लेकिन टाइगर भाई मस्त लग रहे हैं। फिर आती है इमरान हाशमी की आवाज कि हर बंदे की जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसकी फैमिली होती है, बीवी का प्यार, बच्चे की खुशी, तूने मुझसे ये सब छीन लिया टाइगर, अब मेरी बारी है, इस बार तू हारेगा टाइगर, तेरी फैमिली, तेरा मुल्क, सब कुछ, ये वादा है मेरा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। उसके बाद हमें स्टंट पीसेस दिखाए जाते हैं कि टाइगर को एक बंदे को कॉल करता है, आई नीड यू फॉर द मिशन। ट्रेलर में दिखाया गया है कुमुद मिश्रा अपनी टीम लेके आता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पठान को कॉल की गई है। फिर इमरान हाशमी बोलते हैं कि ये खेल हाथों का नहीं दिमाग का है, गंदी सी विग पहन के सलमान भाई घूम रहे होते हैं। लेकिन फिर जो मूवमेंट आता है ना, जो स्टेक्स हाई करता है ट्रेलर की, जब इमरान हाशमी टाइगर के बच्चे पे हाथ डाल देता है, और उसके बाद वो जो मूवमेंट है, जो शिवरिंग, जो वॉनरेबिलिटी फील होती है हमें, वो देख के तो भाई बंदा इंटू रहता है ट्रेलर में। फिर स्टंट पीसेस में बहुत सारे आतिशबाजी तुमने शुरू की, सलमान भाई बोलते हैं खत्म मैं करूंगा, ये थोड़ा सा वही वाला ट्रेलर, पुराने ट्रेलर की वाइब आ जाती है कि दम है तो रोक ले। उसके बाद आता है सबसे मजेदार मूवमेंट, कटरीना टर्किश हमाम में नहाते हुए लड़ाई हो गई है। बाद में बहुत सारे स्टंट पीसेस आते हैं जिसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। टाइगर का लोगो आता है, गद्दारी से बदतर कोई मौत नहीं होती एजेंट के लिए, दिखाओ इमरान हाशमी को, वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। और इस बीट पे हमें कुछ स्टंट दिखाए जाते हैं जिसमें इमरान हाशमी भी स्टंट करते हमें दिखते हैं। एक घंटा टूट के गिर रहा है, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, ये जो हमने उस मैसेज में भी सुना था। ट्रेलर की डिटेल रिव्यू में ना मुझे ये फील हुआ है, जरूरी नहीं होता कि हर फिल्म का स्टेक हमेशा यही हो कि यूनिवर्स को बचाना है, नहीं, समटाइम अपने बेटे को भी बचाना होता है। और ये जो पर्सनल टच दिया ना इस मूवी ने इस बार, ये आपको ज्यादा इंटू करता है, क्योंकि स्टेक्स जितने बढ़ते जाते हैं ना उतना ही मुश्किल होता जाता है, एक तो मूवी को बनाना भी और चीजों को मेंटेन रखना भी। समटाइम फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को दरख्त पे जाके बिल्ली को भी बचाना पड़ता है। तो ये ट्रेलर ने बहुत जबरदस्त वाला आपको जो पर्सनल टच दिया ना, उससे आपको ज्यादा एंगेज कर लिया मूवी के अंदर। उसके बाद इमरान हाशमी की एक न्यूज आ रही थी कि वो थोड़ा सा नाराज है कि उनके सीन वीन काटे गए हैं, ये कुछ इस टाइप का है। ट्रेलर देख के मुझे ये लग तो नहीं रहा, क्योंकि सारे ट्रेलर का नरेशन ही इमरान हाशमी कर रहे हैं, यानी कि पूरी स्टोरी को वो मेंटेन कर रहे हैं इस ट्रेलर में। तो मुझे लगता है कि मूवी के अंदर भी उन्हीं को मेंटेन करना चाहिए। कहते हैं कि हीरो तब तक हीरो नहीं बनता जब तक उसका विलन तगड़ा नहीं हो, ये थोड़ा सा लैग करती है बॉलीवुड, उनके विलन हल्के होते हैं। जितना बड़ा थैनोस होगा उतना ही वो एंड गेम वाला आयरन मैन वाला मूवमेंट बड़ा होगा। तो अगर इमरान हाशमी को फुल पावर में दिखाया जाएगा ना इस मूवी में, तो ही हमें टाइगर ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ट्रेलर के अंदर एक सीन आता है जब टाइगर कॉल करता है I need your help, और ये पर्सनल चीज है, तो वो दिखाया जाता है कुमुद मिश्रा को कॉल की गई है, लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है कि वो पठान को कॉल की गई है, क्योंकि पठान ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए होने वाला है मूवी में, तो ये एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है, तो काफी लंबा रोल हो सकता है शाहरुख खान का इस मूवी में।
और 20 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इट मींस काफी बड़ा रोल है ये। समटाइम तो ऐसा होता है कि 20 मिनट आपके ओरिजिनल सपोर्टिंग कास्ट को भी नहीं मिल रहे होते। एक्सटेंडेड कैमियो कैक के प्रमोट किया जा रहा है इसको, ऋतिक रोशन का भी चांस हो सकता है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन ट्रेलर के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लें तो ट्रेलर मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा है, और जो स्टेक्स को पर्सनल किया गया है वो तो भाई आपको इंटू कर देते हैं। और वो जो शिवरिंग थी ना, एक जो टाइगर की जो डर, जो वल्नरेबिलिटी का एहसास, आपका हीरो भी वल्नरेबल है, उसके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है, उसकी फैमिली के ऊपर अटैक किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से उनके बेटे का रोल वही बच्चा प्ले कर रहा है जिन्होंने पिछली फिल्म टाइगर जिंदा है में बच्चे का रोल किया था। कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है, और इसका ट्रेलर देख के आपको रियलाइज होता है कि ये वो फ्रेंचाइज है जिसमें आप मिस नहीं करना चाह रहे हो कुछ। होता है ना कि यार अगर मैंने इन्फिनिटी वॉर नहीं देखी तो एंड गेम कैसे देखूंगा, ये वो वाली है। आप इन्वेस्टेड हो, आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि पठान का कंटिन्यू स्टोरी है, वॉर की कंटिन्यू स्टोरी है, टाइगर की कंटिन्यू स्टोरी है, मजबूरी है कि देखनी पड़ेगी। ये वो मजबूरी है जो हसीन मजबूरी है कि देखनी ही पड़ेगी। एंड आफ्टर यशराज की ही एक पुरानी फिल्म पठान की बात कर लेते हैं कि उसमें पठान से ज्यादा अगर लोगों को कोई पसंद आया था तो वो जिम का करेक्टर था, जो विलन था। एंड में उसने अजीब से डिसीजन लिए, यहाँ बम है हटा लो मार, लेकिन वो अक्लमंद विलन लग रहा था पूरी थ्रू आउट फिल्म में। तो हमें उस टाइप का विलन चाहिए जो हीरो से ज्यादा अच्छा लग जाए लोगों को। लेकिन अगर सलमान भाई ने अना पे ले लिया कि मेरा रोल लंबा होना चाहिए, तो फिर कटो कटाई होगी और फिर इमरान हाशमी को वाकई गुस्सा आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन मूवी बहुत एक्साइटेड लग रही है। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का रेकमेंड करूंगा, खुद भी देखूंगा। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मूवी आए और हम इसका रिव्यू लेके आए तो आपको देखने को मिल जाए। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।